एपिसोड नंबर 293 293। विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया, किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। करश कहत सठ दो दूरी न करो इहाई को। माल्यवंत गृह गय बहोरी, कहई विभीषण हुनि कर जो सब के उर रही। नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तह संपति नाना, जहां कुमति तह विपति निदाना। परीता हित अनहित मानहुरी पुपीता, काल राति निसिचर कुल केरी, देहि सीता पर प्रीति धनेरी। तात चरण गहि मागूं राखहुं मोर दुलार, सीता देहुं राम कहूं अहित न होई तुम्हार। पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उखार साई,
चल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मूड़ तो ही भावा, कहसी नखल अस को जग माही, बल जाही जिता मैं नाही, मम पुर बसी तप सिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन ही कहू नीति, अस कही कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा, उमा संत कई की है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरी सभले ही मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संगले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ, राहु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खो, अस कही चला विभीषणु जब ही, आयु हीन भये सब तब ही, साधु अब क्या तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चले उ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, गंडक कानन पावन कारी, पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ, पायन के पादुकनि भर तु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हम इन्ह
नयन ही अब जा।